को मैं हूं इरफान और आप देख रहे हैं इरफान मुगल ब्यूटी टिप्स चैनल। आज मैं आपके लिए एक खास किस्म के स्क्रब लेके आया हूं। बहुत ही अच्छी स्क्रब है। जैसा कि आपको पता है कि गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, जैसे ही मौसम चेंज होता है, गर्मी का मौसम आता है उसके साथ साथ मौसम चेंज होने के साथ साथ डस्ट वगैरह चेहरे के ऊपर ज्यादा पड़ती है, क्योंकि हवाएं जब चलती है, मौसम गर्म होता है, तो चेहरे के भी कलर जो है ना वो चेंज होना शुरू हो जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन वाइट रहे, पहले की तरह फ्रेश रहे, और आपने गर्मियों में ये करना है कि अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगर आप ख्याल रखेंगे तो आपकी स्किन डस्ट भी बचेगी और उसके बाद एक्नी वगैरह भी नहीं होंगे, आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश रहेगी, ग्लो रहेगी। और थोड़ा सा आपने सिर्फ काम करना है, वो ये करना है कि आपने मैजिक जेल लेनी है। इसमें 3 से 4 वेरियंट आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छी मैजिक जेल है। कुछ भी नहीं आपने यानी कि इतनी ज्यादा खास मेहनत करनी, सिर्फ 1 से 1.5 मिनट अपने चेहरे के ऊपर या हाथों के ऊपर इसका मसाज करना है, फिर देखिएगा इसका कमाल। जो आपकी स्किन के अंदर डस्ट चली जाती है और ये मसाम बंद हो जाती है, उनको जो साफ करने के लिए बहुत अच्छी जेल है। मैं इसको आपको ओपन भी करके दिखाऊंगा, इस्तेमाल भी करके दिखाऊंगा, फिर देखिएगा इसका कमाल। और इसके साथ साथ आपने करना है कि ये स्क्रब लेना है, वाइटिंग स्क्रब है, बहुत ही अच्छा स्क्रब है। जब आप मैजिक जेल के बाद इसका इस्तेमाल करेंगे, फिर देखिएगा कि आपका चेहरा कैसे खूबसूरत और कैसे वाइट रहता है। तो अगर आप इसको रूटीन से इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपकी स्किन बिल्कुल फ्रेश रहेगी, क्योंकि देखें हर किसी ने काम वगैरह करने होते हैं, खास तौर पे ये लड़कों के लिए, जेंट्स के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि जब जेंट्स जो है वो बाहर के कामों की तरफ निकलते हैं, अपना अपना काम हर किसी ने करना होता है, जब दोबारा घर आते हैं शाम के वक्त, तो उनकी जो है हालत मसाल के धूप की वजह से या फिर मिट्टी की तरफ से चेंज हुई होती है, उनको चाहिए कि इन चीजों का इस्तेमाल लाजमी करें, ताकि इनकी जो स्किन के मसले मसाइल है ना वो हल हो सके, यानी कि स्किन जो है बिल्कुल फ्रेश रहे। उन्होंने क्या करना है, 3 से 4 वेरियंट के अंदर एक वेरियंट उन्होंने लेना है जो उनको अच्छा लगता हो, एक ही काम है सबका। सबसे पहले इसको मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूं कि ये क्या चीज है। आपने अपने चेहरे के ऊपर इस तरह मैजिक जेल लगानी है, लगाने के बाद थोड़ा सा इसका जो है ना आपने हल्का सा मसाज टाइप करना है, 1 से 2 मिनट भी करेंगे तो ऐसे मैल बाहर निकल आएगी कि आप खुद देख के हैरान रह जाएंगे कि हमारी स्किन के अंदर इतनी डस्ट चली जाती है। तो अगर आप अपनी स्किन की केयर करते रहेंगे तो आपकी स्किन बची रहेगी, किसी किस्म का उसको मसला नहीं होगा, स्किन ब्लैक नहीं होगी। जैसा कि मैं ये कर रहा हूँ, ये देख सकते हैं आपकी ये मैल नुमा ये बाहर निकल आई है, आप देख लें। और जब मैं इसको साफ करके दिखाऊंगा तो फिर देखिएगा कि नीचे से कितनी स्किन जो है ना वाइट नजर आ रही है, ये आप गौर से देखें, बिल्कुल ही चेंज है दोनों हाथों की, ये देख सकते हैं कलर, और काफी ज्यादा फर्क पड़ा है। सिर्फ और सिर्फ मैंने आधा मिनट इसका मसाज किया है, तो आपके सामने ही अगर आप इसका मसाज 2 से 3 मिनट कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा है, नहीं तो 1 से 1.5 मिनट भी आप कर सकते हैं। उसके बाद हम इस्तेमाल करेंगे वाइटिंग स्क्रब, ये भी बहुत अच्छा स्क्रब है, इसके ऊपर ही आपने इसका मसाज करना है, तो फिर देखिएगा इसका भी कमाल। ये मैं इसको ओपन कर लेता हूं, ये देखें, ये मैंने ओपन कर लिया और थोड़ा सा मैंने लगा के इसका भी इसी तरह मसाज करना है। मसाज करने के बाद आप इसके ऊपर अरके गुलाब भी लगा सकते हैं, उसका भी शावर करके उसके बाद इसका मसाज कीजिएगा। 4 से 5 मिनट आपने इसका मसाज करना है, तो आपका चेहरा जो है ना हमेशा के लिए निखर जाएगा, वाइट रहेगा, ब्लैक नहीं होगा, तो फिर आपको किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपकी स्किन वाइट है तो आपके लिए जो है ना वो एक बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि स्किन वाइट है तो हर बंदा ही खूबसूरत लगता है, जो भी आपने पहनना हो कपड़ा वो भी अच्छा लगता है, क्योंकि स्किन के साथ ही सब कुछ होता है। ये देखिए जी, मैंने इसका मसाज कर लिया है और उसके बाद मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर आप देखिएगा कि मजीद जो है ना मेरा हाथ पहले की तरह वाइट, पहले से भी ज़्यादा वाइट हो गया है, ये आप देख लें, दोनों में वाजिया फर्क आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर देखें मैंने मसाज किया था और इसके ऊपर मैंने कुछ भी नहीं लगाया, तो बहुत ही हाथ मेरा साफ हो गया है। अगर आप अपने चेहरे के ऊपर इसका मसलसल इस्तेमाल करते रहेंगे, क्योंकि बाज जो मर्द होते हैं वो कहते हैं जी रात को मैं थका हुआ हूँ, मैं तो वाइटिंग क्रीम नहीं यूज कर सकता, तो उनके लिए ये है कि ये सुबह के टाइम भी यूज कर सकते हैं, जैसे काम से छुट्टी हो या आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी स्किन निखरी रहेगी, वाइट रहेगी, और इसका इस्तेमाल आपने जारी रखना है। और आपसे गुजारिश है कि आप जो है मेरी वीडियो को मुकम्मल देखा करें, लाइक किया करें, दोस्तों के साथ शेयर किया करें और सब्सक्राइब किया करें, ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को भी क्लिक कर दिया करें। तो अपने भाई को दे इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़।